चलो यहाँ पे मोलिकुलर वेट इथेनॉल का आंसर दे दो। चलो फटाफट से मोलिकुलर जीरो 0.4789 पॉइंट फोर सेवन एट नाइन बताओ माला सर बताओ। चलो बोला रेटी। और भाई मुझे किसी को नहीं दिखाना है, तू पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर। हेलो खूंट, हेलो ओ पार्थ, बोला सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ लेकिन ये कोई मेरे सर बताओ, मेरे सर बताओ कर रहे हैं। कौन है गधा, मेरे सर दिखाता हूँ ऐसे बोल रहे हैं। चलो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है क्या बताओ। 1/0.4789। अबे आंसर देना कहते, अब ये तो पता चलता ही नहीं। सर 2.0881 पक्का? यस सर, 1 डिवाइड बाय 0. वही तो किया मैंने, 0.4789 किया ना। हाँ हाँ इतनी मोला जीटी आएगी। ठीक है सर, इसको 2.09 लिख लेने तो चलेगा? हाँ चलेगा। चलो हम लोग आगे बढ़े। अभी क्या था, मोल फ्रैक्शन दिया था, तो मोल फ्रैक्शन से पहले क्या निकालो, मोलालिटी। जैसे ही मोलालिटी निकल जाए, हमें डेंसिटी दी हुई है, हमें मोलालिटी ढूंढ लेनी, नथिंग एल्स। चलो नेक्स्ट वन कौन है भाई? 1.30 है। 1.30 बोलो। हाँ बोल। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन C12 एटम इन जी इन ग्राम? मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 AMU होता है, यस और नो? यस सर। हाँ अब AMU को मैं ग्राम में कन्वर्ट करना है। 12 वन AMU इज इक्वल टू 1.66 ऐसे कुछ था। 10^24 याद करो तो 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, देखो तो। इतने ही थे ना? तो 10^-27 नहीं आएगा? नहीं 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 -24 ग्राम आएगा, वो केजी था। एक ग्राम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यही था कुछ। आंसर कितना रहे बताओ? 1.92 क्या आएगा आंसर? -23 देखो तो आया आंसर। चलो हो गया ये। यस सर। चलो 1.31 वो तो हो गया सर, उसमें प्लस माइनस करके सिग्निफिकेंट फिगर देना आंसर का। हाँ 1.32 भी हो गया शायद, एवरेज मास निकाला। यस सर हो गया था ना, एवरेज मास हो गया है। तो वाला हो गया। चलो 1.3 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1.33 इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बताओ चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट शेयर 52 मोल ऑफ आर्गन। आपको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ
आर्गन एटम इज इक्वल टू 52 मोल, आया ना? Yes. 52 इंटू क्या आएगा? एन है। What will be the answer? 313.144. 313. 144 into 10^23. 144. चलो क्या आंसर है क्या बताओ? 3.131 × 10^25 एटम। समझे आप बात? 52 मोल था। चलो फिर the next और कौन है? 52 U of HE. अब देखो ये AM दिया हुआ है। 52 U means 52 AM. अब मुझे पता है कि अगर हीलियम एक AM होता, 4 AM होता ना, हीलियम का एक एटम होता है ना? Yes sir. यहाँ पे कितने AM है? 52 है। 52 AM है तो कितने एटम्स होंगे? 13 एटम्स होंगे। एटम्स पक्का? यस सर। हाँ सर। चलो फिर देखो, अब आपको 15 AMU और 15 ग्राम में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता दूं। 4 AMU मतलब हीलियम का 1 एटम है और 4 ग्राम मतलब हीलियम के 1 मोल है। हेलो, समझ रहे हो बात? यस सर। 4 AMU है तो 1 एटम है एंड 4 ग्राम है तो 1 मोल एटम है, याद रखना ये बात। यही समझाने के लिए आपको ये सम दिया हुआ है इन लोगों ने। देखो जैसे ही 50 कितना था? 2 AMU था, तो आपका कितना आंसर निकला? 13 हीलियम एटम। अब आपको ये बता रहे दूसरा क्वेश्चन क्या है वो बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 52 ग्राम ऑफ HE, मतलब इसमें ग्राम। हाँ, उसके लिए क्या करना है बताओ? उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? यही ना। अब मुझे पता है अगर 4 ग्राम होता ये 1 मोल हीलियम एटम्स होते हैं, है ना? यस सर। अभी कितना है ये? 52 ग्राम है। थर्टी नहीं आएगा। अरे बहन, 30 नहीं आएगा लेकिन मोल आएगा पीछे। हाँ वही, मतलब मोल हीलियम एटम आएगा। तो ये सेम आंसर नहीं आएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ 13 हीलियम के एटम्स थे, यहाँ पे तो 13 मोल हो जाएंगे, इस 13 इनटू एन हो जाएगा। समझी बात तू? तो आंसर यस yes, सर। हो जाएगा ये इनटू 10^23 है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ सर ये। चलो ओके डन। ओके डन। यस सर। अब हमारे 3 बच्चे बाकी हैं, सुनो। यस सर। ठीक है चलो। ओके बाय। तो हम लोग ये अभी करते हैं। हाँ एक हो जाएगा आराम से। चलो हम लोग ये काम करते हैं। सर कल करवाओ ना। क्यों, आज क्या हो गया? कुछ नहीं, आज करवाओ।